नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेठ जी के नुस्खे में। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बासी खाना मत खाओ, क्योंकि बासी खाना हो या रोटी, दोनों को सेहत के लिए खराब समझा जाता है। 12 घंटे से ज्यादा रखा हुआ बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी और पेट खराब होने की संभावना रहती है। इतना ही नहीं बल्कि बासी खाने को गर्म करके खाने से सेहत को कई घातक नुकसान भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर बासी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती है जो बासी होने के बाद भी सेहत को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इनमें से एक है गेहूं। जी हाँ दोस्तों, भारत के ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे से ही रोटी बनाई जाती है। और दोस्तों, रोटी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत जैसे देश में हर घर में रोटियां बनाई जाती हैं। कई लोगों के घर में कई बार जरूरत से ज्यादा रोटियां बन जाती हैं, जिसे बाद में फेंकना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बासी रोटी नहीं खानी चाहिए। इससे पेट से और शरीर से जुड़ी हुई कई परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बासी रोटी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, बासी रोटी हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? एक पल के लिए तो शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बासी रोटी खाने से शरीर को कई तरह से फायदा मिलता है। एक्सपर्ट के अनुसार बासी रोटी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बासी रोटी में ज्यादा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा इससे शरीर को एनर्जी भी मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बासी रोटी खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों, हमारी वीडियोज़ को खूब सारा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं बासी रोटी खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो सुबह ब्रेकफास्ट में बासी रोटी ओट से भी ज्यादा फायदेमंद होती है। बासी रोटी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही इसे खाने से ब्लड में शुगर भी कम रहती है, इससे वजन भी नहीं बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि बासी रोटी तभी फायदेमंद है जब ये 12 से 15 घंटे पुरानी हो। इससे ज्यादा पुरानी रोटी सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है। तो आइए जान लेते हैं बासी रोटी खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। नंबर एक, डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज के रोगियों के लिए बासी रोटी खाना फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो सुबह के समय बासी रोटी को दूध के साथ खाना फायदेमंद होता है। इससे आपके शरीर में शक्करा का स्तर संतुलित रहता है। नंबर दो, बीपी। दोस्तों, अगर आपको बीपी की समस्या है तो बासी रोटी खाना लाभकारी होगा। ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से बढ़ा हुआ बीपी कंट्रोल में आ जाता है। एसिडिटी और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं। दोस्तों, पेट की समस्याओं और एसिडिटी से राहत पाने के लिए सुबह के वक्त दूध के साथ बासी रोटी खाना लाभदायक होता है। नंबर चार, दोस्तों, बासी रोटी सेहत वालों के लिए भी फायदेमंद है। कई फिटनेस सेंटर और जिम में एक्सरसाइज के साथ सुबह बासी रोटी खाने की सलाह दी जाती है। ताजी रोटी की अपेक्षा बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने के कारण इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेहत बनाने में लाभकारी होते हैं। अगर किसी को बुखार है तो उसे ठंडे दूध के साथ बासी रोटी मिलाकर खिलाएं। इससे उसके शरीर का तापमान सही बना रहेगा। सोने से पहले अगर आप बासी रोटी को दूध के साथ मिलाकर खाते हैं तो इससे कब्ज में भी राहत मिलती है। अगर आप दुबलेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बासी रोटी खाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिलता है और दुबलेपन से भी राहत मिलती है। जिन लोगों को लगातार पेट के दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए बासी रोटी बहुत फायदेमंद होती है। रात को सोने से पहले दूध में भीगी हुई बासी रोटी खाने से कब्ज और गैस की समस्या दूर हो जाती है।
तो दोस्तों जान गए ना आप बासी रोटी खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप भी अपने घर की बची हुई रोटी को डस्टबिन में नहीं डालेंगे और उसे ऐसे ही नहीं फेंकेंगे, बल्कि उस रोटियों को आप अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।